प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक योगेश राठौर आज आपको आठवीं की प्रश्नावली 1.2 पढ़ा रहा हूँ। हमने तीसरा सवाल पिछली बार किया था, पिछले वीडियो में ऐसी पांच परिमेय संख्या लिखी जो 2 से छोटी हो। आज हम उसके आगे चौथा प्रश्न कर रहे हैं, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है -2/5 और 1/2 के मध्य। यहाँ पे सवाल होता है -2/5 और 1/2, इनके बीच में 10 संख्या चाहिए बीच में। अब हम देखते हैं कि -2/5 और 1/2 इन दोनों को बराबर बनाएंगे। बराबर बनाने के लिए इनका जो हर बोलते हैं हम नीचे वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। तो इनका जो हर है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि हर 5 है और यहां पर 2, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या के हर का गुणा दूसरी संख्या में यानी कि इसमें, और दूसरी संख्या के हर का गुणा पहली संख्या में, तो ये ताकि बराबर हो सके। अब हम देखते हैं यहाँ पर पहली संख्या का लिखा हमने, इसमें हर किसका, दूसरी संख्या का हर, दूसरी संख्या का हमारा 1/2, तो इसका हर क्या है 2, तो इस 2 का गुणा हम पहली संख्या में करेंगे, और दूसरी संख्या हमारी 1/2 है तो इसमें पहली संख्या का हर यानी कि 5, तो इसका गुणा हम 5 में करेंगे। अब आप जानते हैं साथियों, हमने पढ़ा है गुणा कैसे होता है, ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या में गुणा होता है, तो 2 × 4 माइनस है तो माइनस का 4, 5 × 10 ऐसे इधर भी करेंगे, 1 × 5 = 5 और 2 × 10 ठीक है। अब हम देखते हैं कि -4 और 5 हमारा उत्तर आया। अब -4 और 5 के बीच में कितनी संख्या होती है, तो हम संख्या लिखकर देखते हैं, ये -4 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो इनके मध्य 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास 8 संख्या हो रही है, लेकिन हम लोगों को कितनी संख्या चाहिए, 10। तो हम क्या करेंगे और आगे इसे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं, बड़ी संख्या का, हमने यहाँ पर 5 का किया है, तो 5 का गुणा करेंगे -4 × 5 मतलब -20, ऐसे नीचे भी करेंगे 10 × 5 मतलब 50, इसमें भी 5 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम एक जैसी संख्या का करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास हर तो बराबर पहले से ही है, यहाँ पर चारों में हमने 5-5 का गुणा कर दिया, 4 में 5 का करा तो 20, माइनस है तो माइनस का 20, और 10 × 50 इस तरफ भी ऐसा ही है, 5 × 5 = 25 और 10 × 50। अब -20 और 25 तो संख्या लिखा हम देखते हैं, -20 किस तरफ आएगा, इस तरफ, और 25 किस तरफ आएगा, 0 के इस तरफ, तो -20 से लेकर 25 तक बहुत सारी संख्या आ जाएगी, जैसे कि -19, 18, 17, 16 यहाँ पर 15, 14, 13, 12, 11, 10 बहुत सारी कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम यहाँ 15 भी लिख लेते हैं, 15/50 ये अलग अलग संख्या है, हमारी 11 संख्या हो गई, हमें 10 चाहिए तो हम लिख देंगे 10, तो हमारे कुल कितनी संख्या हो गई, 10। इस प्रकार हमारा पहला सवाल हो गया। अब हम देखते हैं चौथा हो गया, पांचवे का पहला देखते हैं, इसमें हमें कहा गया 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखते हैं, देखते हैं सवाल को, ये भी इसी प्रकार से करेंगे, पहले हर सवाल बनाएंगे और उसके बाद आगे का सवाल हम लोग हल करेंगे। अब देखते हैं पांचवे का पहला, 2/3 और 4/5 तो 2/3 और 4/5 2/3 हम लिख देते हैं और 4/5 भी हम लिख देते हैं। अब अभी मैंने बताया था किसी भी संख्या के मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए उनके पहले हम क्या करेंगे, हरों को समान बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हरों को समान बनाएंगे, तो हर समान बनाने के लिए क्या करेंगे, हर किसको बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अब हर को समान बनाना है तो पहली संख्या में हम दूसरी संख्या का हर लाएंगे, 5 का गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में पहली संख्या के हर लाएंगे, 3 का गुणा करेंगे। अब 2 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 10, 3 में 5 का करेंगे तो 15, 4 में 3 का करेंगे तो 12 और 5 में 3 का करेंगे तो 15। अब हम देखते हैं कि हर तो समान हो गए लेकिन 10 और 12 के एक संख्या की संख्या लिखा हम देखते हैं तो 10, 11 और 12 लेकिन हमें कितनी चाहिए, 5 संख्या चाहिए, तो इसे और आगे बढ़ाएंगे, हम यहां पर 5 का गुणा कर देंगे, 10 × 50 15 ×
75, 12 पंजे 60, 15 पंजे 75। अब 50 और 60 के बीच में पांच संख्या चाहिए हमें, हम लिख देते हैं, पहले शुरुआत की संख्या लिख देते हैं 50/75। इसके बीच में हमारे पास आ जाएगा 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 और 55/75। ये पांच संख्या हो गई हमारे बीच में, और डेस दस बहुत सारे आ सकते हैं, फिर पांच और आ सकती है, तो हम यहाँ डेस करके लिख देंगे 60/75। 50 और 60 के बीच में हमारे पास पांच संख्या आ गई, 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 और 55/75। जैसा पिछले साल में किया था वैसा ही इसमें भी हमने किया है। अब इसका हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। बाकी के दो प्रश्न आपको करना है, हल करके देखना है, घर पे होमवर्क है आपका। अगर फिर भी आपको नहीं आते हैं तो मैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको भेज रहा हूं। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, -2 से बड़ी हमें कितनी संख्या निकालनी है, -2 से बड़ी हमें निकालनी है पांच संख्या। अब पिछले प्रश्न में हमने जो पढ़ा था इसके पहले, उसमें हमें था कि 2 से छोटी संख्या पूछा था हमसे। इस बार हमें क्या पूछा गया है कि -2 से हमको क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो मैंने इस बार हमसे छोटी पूछा, सॉरी हाँ ना बड़ी पूछा, इस बार हमसे बड़ी पूछा है, पिछले सवाल में हमसे छोटी पूछा गया है। तो -2 से बड़ी पांच संख्या क्या हो सकती है, अपने पास संख्या रेखा में देख सकते हैं, -2 से बड़ी तो माइनस का एक भी हम लिख सकते हैं, हम जीरो भी लिख सकते हैं, हम माइनस का 1/2 भी लिख सकते हैं, सॉरी बड़ा चाहिए तो हम माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। ये पांचों संख्या हमारी क्या है, -2 से बड़ी है। माइनस की संख्या जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होती है, यानी कि अगर हम -5 और -4 में से देखें कि बड़ी कौन है, तो -4 हमारी बड़ी है। अगर दोनों संख्या माइनस की होती है तो जो छोटी संख्या रहती है वो हमारी बड़ी मानी जाती है। तो -2 से बड़ी पूछा तो माइनस का 1 -2 से बड़ा है, 0 भी उससे बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है और 3 भी बड़ा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये था हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमने अभी हल किया। अब क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालिए। जिस प्रकार हमने अभी पहले सवाल किए थे, इसके पहले वाले, इस सवाल के पहले जो हमने दो सवाल किए, ये भी उसी प्रकार करना है। पर एक बार मैं आपको और बता देता हूं, आप देख लीजिए, 3/5 तो हम लिख देते हैं 3/5 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है 3/4, इनके बीच हमको कितनी संख्या चाहिए 10। इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इनके हर को हम क्या करेंगे समान बनाएंगे, तो लिखेंगे हरों को समान बनाएंगे, जो इनके हर है, हर किसे कहते हैं हम लोग, नीचे वाली संख्या को, पहले हम इन्हें उतार देते हैं 3/5 और 3/4। अब इनका हर क्या है, इसका हर 5 है और इसका हर 4, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के हर का यानी कि 4 का गुणा करेंगे और इसमें 5 का गुणा करेंगे, 3×4 12, 5×4 20, इसी प्रकार 3×5 15 और 4×5 20। अब हर हमारे समान हो गए, लेकिन 12 और 15 के बीच में केवल तीन संख्या आती है, दो संख्या आती है, हमें कितनी चाहिए यहाँ पर 10 संख्या चाहिए, 10। तो इसे और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें भी 5 का गुणा कर सकते हैं हम, इसमें भी 5 का गुणा, 12×5 60 हो जाएगा, 20×5 100, इसी प्रकार 15×5 75 और 20×5 100। ठीक है बच्चों, अब 60 और 75 के बीच में हम देखते हैं 60/100, इसके बाद 61/100 आ सकता है हमारा, 62/100 आएगा, 63/100 आएगा, 64/100 आएगा, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या हमारी हो गई। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, 75/100, इसमें बीच में और संख्या आ सकती है हमारे पास, 5 संख्या और आ सकती है,
पर हमें 10 लिखा गया था तो हमने 10 ही लिखा है। तो इस प्रकार हमारा यह सवाल खत्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में 2.1 से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।